अंधाधुन फिल्म डायरेक्टर श्रीराम राघवन 1971 युद्ध के हीरो रहे शहीद फौजी अरुण खेत्रपाल पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म के लिए भारतीय सेना से मदद लेने की तैयारी कर रहे हैं। श्रीराम बताते हैं, यह मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग फिल्म है क्योंकि यह मेरी कहानी नहीं है। इस कहानी मुझे दिनेश विजान ने सुनाई थी और मुझे यह पसंद आई, तब मैंने सोचा कि मैं इसे डायरेक्ट करूं। मैंने अभी इसकी राइटिंग खत्म की है और अब हम इसकी कास्टिंग में जुटेंगे। हमने अभी तक इसके लिए किसी भी एक्टर से बात नहीं की है। यह प्रोजेक्ट इस साल के अंत तक फ्लोर पर जा सकता है। कई चुनौतियां हैं पीरियड फिल्म बनाने में, सेट बनाने भी सेना की मदद लेंगे। यह एक पीरियड फिल्म है जो 1971 के दौर पर बेस्ड है। इसके लिए सेना फिल्म के मेकर्स को उसी पीरियड का सेट बनाने में मदद करेगी। इन चैलेंजेस को सेना आसान बनाएगी। अरुण खेत्रपाल के कैरेक्टर को रिक्रिएट करने के लिए भी इंडियन आर्मी से मदद ली जाएगी। वरुण धवन के नाम पर है चर्चा इस फिल्म के लिए। श्रीराम इन दिनों वरुण धवन से चर्चा कर रहे हैं। वरुण को यह रोल पसंद आया है और वे इसके लिए डेट्स अरेंज करने में जुटे हुए हैं। प्रोड्यूसर्स को लगता है कि वरुण का चेहरा कम उम्र के लड़के जैसा है और वे 21 साल के युवा की उम्र में जल्दी ट्रांसफॉर्म भी किए जा सकते हैं। इसके साथ ही वे फिल्म में बतौर लीड किसी ए लिस्टर एक्टर को ही कास्ट करना चाहते हैं। ऐसे में उनके लिए वरुण इस रोल में फिट बैठते हैं। वरुण ने अब तक यह फिल्म साइन नहीं की है, पर चर्चा है कि वे इसे जल्द ही साइन कर सकते हैं। सेना पर फिल्म बनाना बड़ी जिम्मेदारी। श्रीराम और वरुण इससे पहले 2015 में रिलीज हुई फिल्म बदलापुर में साथ काम कर चुके हैं। इस फिल्म को लेकर श्रीराम कहते हैं, इंडियन आर्मी पर जब कोई फिल्म बनती है तो वे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, खासकर ऐसे शख्स की कहानी जिसने देश के लिए अपनी जान दी है। हम इसमें कुछ भी गलत जानकारी नहीं दे सकते, इसलिए हम आर्मी की मदद से दर्शकों तक सही कहानी पहुंचाएंगे। कौन थे अरुण खेत्रपाल? भारत पाक के बीच हुए 1971 के युद्ध में अरुण खेत्रपाल मात्र 21 वर्ष की उम्र में देश के लिए शहीद हुए थे। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार दी थी। इस शूरवीर को परम वीर चक्र से नवाजा गया है।